समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान की नई श्रृंखला करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। मित्रों, मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तभी समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, सुखमय बनाया जा सकता है। और आज के दौर में हम ये महसूस भी करते हैं कि मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए डॉक्टर सचिन जी कल हमारे साथ थे और चर्चा कर रहे थे कि कैसे अध्यात्म की गहराई को उन्होंने अनुभव किया है। न केवल अध्यात्म की गहराई को, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ उसे उन्होंने विज्ञान की कसौटी में भी कसा है ताकि सत्य को यथार्थ रूप से समझा जा सके और अनुभव किया जा सके। आज भी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सचिन, पुनः आपका अभिनंदन है। कल जो हमारी चर्चा हो रही थी बहुत ही गहन थी और सचमुच लगा कि हम भी उस सत्य की ओर, अनुभूति की ओर बढ़ें और हमारे सभी दर्शकों को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। आज मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सदियों से ये बात चलती रही है कि विज्ञान और अध्यात्म धर्म का दोनों का संबंध बड़ा गहन है, लेकिन देखा यह जाता है कि आज के परिदृश्य में शायद दोनों अलग अलग हो गए हैं। क्यों दोनों का साथ होना जरूरी आप महसूस करते हैं? जी, ये जो संघर्ष है धर्म का और विज्ञान का, इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की जो खोज रही है हमेशा सत्य की रही। एक है पूर्व के देश, एक है पाश्चात्य देश, दोनों तरफ ये खोजें चालू हुई। जो पाश्चात्य जगत है उसने ये खोज बाहर चालू की और जो पूर्व के जो देश है इन्होंने ये खोज आंतरिक चालू की। और लक्ष्य दोनों का एक ही था कि परम सत्य तक पहुंचना है, परम सुख क्या है उसको जानना है, उसको समझना है, उसका अनुभव करना है, परम आनंद तक का अनुभव करना है। जी, जी। तो ये दोनों ही खोजे अगर हम कहें कि दो तरफ से अलग अलग दिशाओं में चालू हुई। जो पहले हमने जो कहा पाश्चात्य जगत, उसने ये खोज की और ये लोग बाहर गए और बाहर खोजते खोजते इन्होंने विज्ञान को पाया। और जो पूर्व के देश थे वो आंतरिक गए, अंदर गए अपने, और अंतस की गहराई में उन्होंने कुछ ऐसे तत्व को पाया कि जो कि प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और कहा कि ये जो तत्व है ये अपरिवर्तनशील है, उसको उन्होंने आत्मा कहा और फिर परमात्मा से जोड़ा। तो ये जो देश है हमारा, जो देश, जो लोग अंदर गए और जिन्होंने आत्म तत्व को जाना, उन्होंने कहा कि अनुभव ही सब कुछ है। पर जो बाहर गए उन्होंने कहा कि पहले हमें प्रमाण चाहिए, उसके बाद ही हम जो अनुभव करना है करेंगे। जी, जी। तो वहां विज्ञान का जैसे आविष्कार हुआ और विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हमारे सामने आज भी है, परंतु
दोनों ही खोज में कहीं ना कहीं कुछ तो छूट गया है। क्या छूट गया है? तो जो लोग बाहर गए उन्होंने विज्ञान को तो निर्माण कर दिया, परंतु आंतरिक जो सुख, आंतरिक जो शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं छूट गया। जी, जी। और बाहर इतना व्यक्ति बाह्यमुखी हो गया कि बाहर के सुख, साधन, समृद्धि, इसके पीछे जैसे भाग रहा है, एक होड़ लगी है, जैसे क्या पाना है उसे पता नहीं, परंतु वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ये साइंस ने हमारे सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। जी जी, मतलब वस्तुओं में उन्होंने सुखों को तलाशा, में सुखों को पाया, परंतु ये पाया। वहां के भी कुछ दार्शनिक लोग हैं, कुछ रहस्यवादी, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसमें वो नहीं प्राप्त हो सकता। अब जो धर्म वाले थे, जिन्होंने धर्म की खोज की या वो अपरिवर्तनशील तत्व को ही सब कुछ माना, उन्होंने क्या किया कि जब अनुभव कर लिया तो उन्होंने ये नहीं जरूरी समझा कि विज्ञान की कसौटी पर इसे उतारा जाए, इसलिए एक तरीके से थोड़ी सी उन्होंने विज्ञान को एक तरफ कर दिया। अब हुआ क्या इसके वजह से कि जैसे विज्ञान की तरफ जो गए, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बहुत सारी लौकिकता, मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल आ गई, और कहीं कहीं तो ऐसे आविष्कार हो गए कि जिससे विनाश हो सकता है इस सृष्टि का। जी, जी। और धर्म के वजह कारण ऐसा हुआ कि धर्म तो है बहुत अच्छा, जिससे हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसमें अंधविश्वास आने लगे, उसमें मतांधता आने लगी, उसमें अतिवाद आने लगा, उसमें आतंक जैसे बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होने लगी, जहां पर लोग कट्टरवादी बन गए। जी, क्योंकि जी। इतने सारे मत, इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म, हर एक कहता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ या हमारा ही धर्म सत्य है, और यही एक संघर्ष चालू था। जी, जी। ऐसा समय इस सृष्टि पर था जब ये दोनों का ही समन्वय था, और वो एक समय ऐसा था कि जहां पर सबसे अधिक सृष्टि सुंदर थी, एक स्वर्णिम काल था जहां पर ये दोनों का बहुत अच्छा समरसता थी, परंतु वो काल समाप्त हुआ और उसके बाद में ये संघर्ष चालू हुआ। तो आज जैसे आपने पूछा कि क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, अगर आ जाए तो एक ऐसे सृष्टि का निर्माण हो सकता है कि जो कभी मनुष्य ने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी एक सृष्टि कि जहां पर धर्म भी है और उसके साथ विवेक भी जुड़ा हुआ है, जहां पर एक तरफ रीजन है तो उसके साथ लॉजिक है, रीजन है उसके साथ में फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये सारी चीजें है। क्योंकि है, जैसे हमने कहा, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है, परंतु एक दूजे के बिना दोनों जैसे अपूर्ण है। दोनों को ही एक दूसरे का सहारा चाहिए। जी, जी, एक तरफ साधना है, एक तरफ साधन है, एक तरफ आंतरिक खोज है, एक तरफ बाह्य खोज है। जी, जी, जी। तो ये दोनों खोज जब मिल जाए तो मनुष्य अपनी उस परम अवस्था, पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, संपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि की। बिल्कुल। आज जिसकी बात होती है कि चर्चाएं तो होती हैं कि मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन जरूरी है, आप इसे कितना महत्व देते हैं और साथ ही क्या इसे अपने पेशेंट्स पे भी अप्लाई करके देखते हैं? जी, पहले तो बात ये समझना है कि आज जो इतनी सारी बीमारियां है उनका कारण क्या है। एक तो है कि हमारे सामने मरीज है, हम उसको दवाई दे दिए और वो जला गया, पर इतने से ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उस कारण को नहीं ढूंढते उस बीमारी के, तब तक हम उस बीमारी को भी ठीक नहीं कर सकते। अगर देखा जाए आज के परिवेश में इतने सारे कारण हैं, जिस तरह की हमने कहा विज्ञान के वजह से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतनी आपाधापी का ये जीवन है कि जिसमें व्यक्ति को रुकने के लिए समय नहीं है, अपने आप को देखने के लिए समय नहीं है। इस भाग दौड़ के जीवन में जो हम कहते हैं इंग्लिश में हरी वरी और करी का ये जीवन है, हरी है, वरी है, स्ट्रेस से भरा हुआ चित्त है, मन है, और भोजन उसका जिस तरह से है, तो ये सारी चीजें जो हो गई है उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां को इसने जन्म दिया है। जी, जी। वो तो हम मानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस और इन सब की वजह से बीमारियां होती है, परंतु ये सारी चीजें भी उतनी ही जरूरी है। इस वजह से केवल मेडिकेशन काम नहीं करेगा, उसमें हमें साथ साथ मेडिटेशन भी जोड़ना पड़ेगा। और ये मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसे हम जंगल में जाके करें, या ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी साधना नहीं है कि जो करना ही बहुत असंभव हो जाए या इम्प्रैक्टिकल हो, ऐसी वाली बात नहीं है। जहाँ आप है, जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ आप रहते हैं, किसी भी उम्र के हो, सबके लिए जैसे ये प्राणदान है जैसे कि, और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मेडिकेशन जो है वो भी इतना काम नहीं करेगा। आपने सुना होगा दो रूल्स होते हैं साइंस में, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी काफी चर्चा है, एक है लॉ ऑफ फेथ। ये दो चीजें बहुत काम करती है। अभी मेडिटेशन जो है ये दोनों ही चीजों को एनफोर्स करता है,
ये दोनों ही चीजों को, दोनों ही साइंस के लॉज है ये, और दोनों ही चीजों को मेडिटेशन जो है वो एनफोर्स करता है कि इस लॉ से हम जैसे एक व्यक्ति है उदाहरण के तौर पे, इतना तनावग्रस्त है और उसकी शुगर बढ़ी हुई है, अभी हम शुगर की दवाई बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन चालू कर सकते हैं, परंतु उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उसकी शुगर कम हो जाए। जब तक वो तनावग्रस्त उसका मन है, चित्त है, जब तक ये इससे वो शांत नहीं हो जाता है, जैसे वो ध्यान करने की प्रोसेस चालू करता है, जैसे मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसी तरह के संकल्प विचार जो ब्रह्मांड सृष्टि में है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, और धीरे धीरे उसका विश्वास भी बढ़ने जाता है, वो दवाइयों के ऊपर भी, डॉक्टर के ऊपर भी, और इस बात पर भी कि मैं ये जो दवाई ले रहा हूं या जो मैं ध्यान की प्रोसेस कर रहा हूँ इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो दोनों तरह से उसका फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यदि जो ध्यान करते हैं वो ध्यान के माध्यम से पूरी तरह से अपनी बीमारियों को, यदि वो बीमार है तो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और यदि बीमार नहीं है तो हमेशा निरोगी रह सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मेडिटेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमको सबसे पहले तो अपने आप के साथ जोड़ती है, दूसरा परमात्मा के साथ जोड़ती है, तीसरा ये जो प्रकृति है जिससे हम दूर चले गए, जो भी बहुत सारी बीमारी है इस वजह से भी है कि हम प्रकृति से दूर चले गए, इन तीनों ही चीजों के साथ ये मेडिटेशन हमको जोड़ता है। तो जैसे हम मेडिटेशन करने चालू करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमने अपने अनुभव से देखा कि कई सारे मरीज हैं जिनको हमने ये बताया सिखाया, या उनको हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहन है उनके पास भेजा और वहां से वो लोग सीखे, उन सभी के हमने ये परिणाम देखे कि जिनका बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा था वो बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर कंट्रोल में आ गई, फिर उनको कई सारे ऐसे मरीज जैसे कि पैरालिसिस वाले मरीज है, अब जो पैरालिसिस वाला मरीज होता है उसका पहले ही आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो इस मेडिटेशन की वजह से आत्मविश्वास बढ़ता है। कई सारे मरीज हमको वहां पर माउंट में ऊपर पॉइजनिंग केसेस आते हैं, अटेम्प्टेड सुसाइड जी जी, कि जीवन से इतने निराश हो जाते हैं कि इधर ले लेते हैं। अभी उसके बाद क्या, अभी हम तो दवाई देके छुट्टी कर देंगे, वो चला जाएगा घर, परंतु वापस वैसा ही करेगा, तो वहां हम उसको जब मेडिटेशन सिखाते हैं तो उसका आत्मबल बढ़ता है, शक्ति बल बढ़ती है, तो वो अभी उसको उस तरह से कोई बीमारी नहीं है बीपी शुगर, परंतु बीमारी ना हो इसकी भी जैसे कि एक इंतजाम कर दिया जाता है मेडिटेशन की वजह से। और बहुत सारे ऐसे मरीज है, डिप्रेशन के मरीज, एंग्जाइटी के मरीज, तो इन सब के लिए भी ये जैसे बहुत सुंदर एक उपाय है, तो इससे हम निरोगी रह भी सकते हैं, कोई बीमारी हमको आएगी भी नहीं, हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, और दूसरा अगर हमको बीमारी है तो हम इसके द्वारा, क्योंकि हम इसके द्वारा उनका हमारे ऊपर जो असर है उसको भी कम कर सकते हैं और उस बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। जी जी, चलिए, मतलब दोनों प्रकार से ये लाभप्रद है, और ये राजयोग मेडिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारी केंद्र में सीखा जा सकता है जाकर के। आप इंटेंसिव केयर में बहुत रहे हैं और आपके पास बहुत ऐसे क्रिटिकल केसेस आते रहे हैं, आते रहेंगे लगता है, क्योंकि ऐसी समाज की स्थिति हो गई है। आपको कभी ऐसा रहा कि कुछ बहुत ही ऐसी क्रिटिकल केस आई है और तब आपने उसे अपने मेडिटेशन से, अपने ध्यान से बिल्कुल ठीक किया हो, क्योर किया हो, ऐसा कोई चमत्कारिक सा अनुभव आपके पास हो? चमत्कार तो नहीं कहेंगे, पर ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि हमने यहाँ पर संकल्पों के काफी प्रयोग किए हैं, संकल्पों के प्रयोग और मेडिटेशन के प्रयोग दोनों, जिसको हम कहते हैं योग के प्रयोग और संकल्पों के प्रयोग। जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि उनको वेंटिलेटर पर डाला जाता है, उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे इंजेक्शन, आइनोट्रोपिक सपोर्ट जिसको कहते हैं बीपी बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस चालू करते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं सेप्टिक शॉक होता है, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मरीज आते ही रहते हैं। तो एक ऐसा अनुभव है कि हमको याद है कि सुबह का समय था, हम मेडिटेशन कर रहे थे ऊपर पांडव भवन में और लगभग 4 बजे के आसपास कोई मरीज आया, तो हमको बुलाया गया, तो हम तो मेडिटेशन कर रहे थे तो हम गए और उस मरीज को काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कोई टूरिस्ट थे जो आए थे, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, वेंटिलेटर पे डाला, और उसके बाद में पर हमने देखा कि हमारी जो स्थिति थी उस समय जब हम ये सब कर रहे थे, क्योंकि हम मेडिटेशन से उठ के आए थे बीच में से ही, तो वो सारा जैसे मेडिटेशन की प्रोसेस अंदर ही अंदर चल रही है और ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ पेशेंट के लिए किया जाए, और वो करके हम निकल गए वहाँ से। और निकलने के बाद जब हम राउंड के लिए गए तो, और वहाँ जब हम बैठ गए वापस वहाँ से आए, तो फिर हमने संकल्पों के कुछ प्रयोग किए मेडिटेशन में ही, कि जैसे कुछ उस पेशेंट के लिए खास कि जिसको मैं अभी अभी देख के आया हूँ उसको मैं शक्तिशाली वाइब्रेशंस दे रहा हूँ,
उसके लंग्स को वाइब्रेशंस दे रहा हूँ, क्योंकि लंग्स में पूरा पानी भर गया है. LVF जिसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और ECG में भी चेंजेस थे, तो हार्ट का इश्यूज हो सकता है, बहुत सारी चीजें थी उसको. तो वो सब हमने उसको सकाश दी. सकाश जिसको कहते हैं मतलब वाइब्रेशंस देना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस, हीलिंग के वाइब्रेशंस दिए. और जब हम 9 बजे आए राउंड के लिए, जब हमारा जो रूटीन होता है, तो देखा पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है. ट्यूब तो है अभी भी, पर सारे रिलेटिव्स आगे एकदम हमारे चरणों में गिरने लगे. हमने लगा ये कौन है, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आप भगवान हो. हमने कहा भगवान की तो बात नहीं है, मरीज बहुत अच्छा था. और फिर 2 दिन में ट्यूब निकल गई, वेंटिलेटर से आउट हो गया पेशेंट, रूम में शिफ्ट हुआ और 4-5 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया पेशेंट. तो ऐसा ये एक एक्सपेरिमेंट. दूसरा और एक एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे. हमारे पास एक छोटी सी लड़की थी, एक कन्या, जो कि एक्चुअली पीडियाट्रिक्स में एडमिट थी. हम तो एडल्ट देखते हैं, पीडियाट्रिक्स हमने देखते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट देखते हैं. तो वो थी 12 साल की. तो उसको 15 दिन से रोज बुखार आ रहा था, रोज, एक दिन भी नहीं छूट के. तो आखिर में उसके पिताजी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप देखो. हमने कहा हम कैसे देख सकते हैं, तो पीडियाट्रिक्स में है. तो फिर हमको पीडियाट्रिशियन का फ़ोन आया कि ये पेशेंट आप अपने अंडर ले लो. तो पेशेंट हमारे पास में आया, फिर हमने बहुत सारी जांचें वगैरह की और जो भी ट्रीटमेंट चालू करना था हमने कर दिया. फिर बुखार खत्म हो गया और वो चली गई. अब जाने के बाद हमको थोड़ा सा डाउट था कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया अगर इसको वापस बुखार आना लगे तो शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं. तो वो पेशेंट तो चली गई और हमने कहा था 7 दिन बाद आ जाना हमको, क्योंकि इंटरेस्टेड थे क्या है जी. तो वो आई नहीं, 15 दिन नहीं आई, 1 महीना नहीं आई. फिर हमने सुबह का मेडिटेशन जो होता है उसमें एक दिन ऐसा संकल्प किया कि ये जो आत्मा है जहां कहीं भी होगी दुनिया में, वो आज सुबह ओपीडी में 12 बजे से पहले हमारे ओपीडी में आ जानी चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो. फिर ये संकल्प करके हमने छोड़ दिया और पाया कि जैसे 12 बजने को 5-10 मिनट थे वो लड़की एकदम से आई और एकदम हमें पकड़ लिया भैया. तो क्योंकि हमको भैया कहती थी, वो छोटी सी थी, तो हमने कहा तुम कहाँ थी, तो उसने कहा कि मैं ठीक हो गई थी इसके लिए आई नहीं. तो ये मतलब संकल्प, जैसे हमने कहा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप संकल्प करोगे वैसे ही संकल्प अट्रैक्ट करता है. और इसमें इतनी पावर है कि उस थॉट वेव से, थॉट वाइब्रेशन से आप किसी भी आत्मा को अपना मैसेज दे सकते हो और उसको पुकार सकते हो, बुला सकते हो. जी 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 जी, मतलब इस रूप से इसे मेडिकल साइंस में भी यूज किया जा सकता है. एक खास बात इस संदर्भ में मैं और जानना चाहूंगा आपसे. सूरी भाई जी भी लगातार इस प्रकार के संकल्प के अभ्यास देते रहते हैं और हमें भी चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए हैं. जैसे अभी आपने सुंदर अनुभव अपनी तरफ से रखे कि वो चार्ज करके पानी पीने का अभ्यास बताते हैं, या भोजन जब भी करो तो उस पर भी अच्छे विचार दो, या जब भी आप दवा लो तो अच्छे विचार दे करके लो. तो ये जो अच्छे विचार दिए जाते हैं, चाहे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, चाहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इस विचार को देने के बाद जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके पीछे का साइंस क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये समझना है साइंस ऑफ रेपिटिशन, मतलब पुनरुक्ति जो हम करते हैं. हम आज जो भी है हमारे विचारों की वजह से, हमने एक प्रकार का विचार लिया है और उसको बार बार दोहराया है और उसके परिणाम स्वरूप हम आज जो है वो है. जैसे डॉक्टर कुए थे एक जी, फ्रांस में, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए. वो हर पेशेंट को एक मंत्र देते थे. जो मरीज कहीं से ठीक नहीं होता था उनके पास ठीक होता था. क्या मंत्र देते थे, जब भी मरीज उनके पास आता था तो वो कहते थे कि अब ये संकल्प करो कि मैं ठीक हो गया हूँ. ये तो सबको ही पता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है. पर परिणाम जो मिले उनको डॉक्टर कुए को, वो इतने जबरदस्त थे कि अभी तक जो मरीज होता है अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है. एक नेगेटिव एनर्जी, मैं बीमार हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, ये बीमारी पर इतना खर्चा हो रहा है, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कितने डॉक्टर बदल लिए, कितने हॉस्पिटल बदल लिए. तो सबके प्रति एक नकारात्मक भाव है. तो वो जैसे उन्होंने चेंज किया और एक ही संकल्प में स्थित करा दिया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एफर्मेशंस, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स. तो ये सारे प्रयोग जो हुए इसके जबरदस्त रिजल्ट थे. दूसरे जैसे जापान में भी डॉक्टर इमोटो जो है, उन्होंने इतना सुंदर एक प्रयोग किया पानी के ऊपर कि अलग अलग ग्लासेस लिए, उन पानी के ग्लास पर अलग अलग शब्द लिखे. कहीं पर तो लिखा लव, कहीं पर लिखा हेट, और उस पर उन्होंने, उनके पास जो मशीन थी उसके बाद उन्होंने उसके वाइब्रेशंस को चेक किया किस तरह की डिजाइन बनती है. तो देखा कि जहां लिखा था आई हेट यू, एक जगह लिखा था आई लव यू, जहां लव लिखा था वहां बहुत सुंदर डिजाइन बन गई, और जहां हेट लिखा था
वहाँ बहुत ही खराब किस्म की डिजाइन बन गई। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कहा कि मनुष्य के शरीर में कितना सारा पानी है, अब ये एक्सपेरिमेंट यदि शरीर पर किया जाए तो कि हमारे शरीर में जो अशुद्धि है वो भी ठीक हो सकती है। जी जी। जबकि आपको पता होगा डॉक्टर लूथर बर्बैंक, अभी उनको हॉर्टिकल्चर विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, स्पाइन का एक झाड़ होता है ना, कैक्टस आपने देखा होगा जी, जी। जो रेगिस्तान में जिसमें कांटे होते हैं, अभी उन्होंने 7 साल तक उस कैक्टस पर प्रयोग किया, कैक्टस पर ऐसा प्रयोग किया कि स्पाइनलेस कैक्टस, उसने उस कैक्टस के साथ बात की, उस झाड़ के साथ। अच्छा। एक्चुअली दिखता है बहुत अनसाइंटिफिक, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक है ये, पर ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्होंने बात की और उसको संकल्प दिए कि ऐसा एक झाड़ हो जाए कि जिसमें स्पाइन्स ही नहीं है। तो 7 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद में आप उसका फोटो भी देख सकते हैं इंटरनेट पे, वो बैठे हुए है और बाजू में वो कैक्टस है कि जिसमें स्पाइनलेस, फर्स्ट स्पाइनलेस कैक्टस, और उसको कहा जाता है फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद प्लांट। अभी ये सब कैसे हुआ, संकल्प से, थॉट से। अब थॉट जो होता है उसमें वेव्स होती है, वाइब्रेशंस होते हैं। नाउ ये थॉट्स यदि उस झाड़ में भी जा सकते हैं, यदि ये थॉट्स उस पानी में भी जा सकते हैं, यदि वो डॉक्टर कुएं ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो थॉट वेव्स, जो संकल्प पेशेंट करता है वो शरीर में जाते हैं और शरीर ठीक होता है, तो क्या हम ऐसे संकल्प क्रिएट कर सकते हैं कि दे कैन क्यूर अस, ऐसा भी हो सकता है। सो नेचर और माइंड, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जो हम एक्चुअली, ये जो हमको अभी यहाँ जो सोफा है ये रखा है, पहले तो साइंस कहता था ये जड़ है, ये मैटर है, पर अभी अभी साइंस बदल गया, अभी कहता है ये जड़ नहीं है, इट्स अ वाइब्रेटिंग एनर्जी, मतलब ये भी कंटिन्यूअस कंपन करता हुई ऊर्जा है ये। तो ऊर्जा, इसमें वाइब्रेशंस ऑलरेडी चल रहे, अभी इसके वाइब्रेशंस और हमारे थॉट, हमारा जो थॉट है उसमें भी वाइब्रेशंस है, बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशंस निरंतर फैल रहे। जी, जी। अगर हम ऐसे थॉट्स करें जो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, तो वी कैन इन्फ्लुएंस एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो। और जिस संकल्प के साथ हम पानी पीते हैं या भोजन खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। इट्स एज इफ लाइक केमिकल रिएक्शन बिटवीन थॉट, नेचर एंड सरकमस्टेंसेस। बिल्कुल। चलते चलते मैं अपने सभी दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें हम लाएं ताकि हम संपूर्ण स्वस्थ रहें, यदि अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएं और यदि स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ ही बने रहें। हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल, खान पान कैसा हो, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे हमने कहा ये आपाधापी का जीवन है, या हर व्यक्ति भाग रहा है, क्या उसे पाना है उसे पता नहीं है, और ये जो बाह्यमुखी दौड़ है, सबसे पहले व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, रुक के अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद ही उसका, जो आपने खान पान की बात की उसमें तो आऊंगा मैं, दिनचर्या जो है, आज अगर आप देखो तो लेट सोना, लेट उठना, फास्ट फूड खाना, फास्ट लाइफ हो गई है, और एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आउटसाइड, उसमें जी रहा है हर व्यक्ति, एक निरंतर स्ट्रेस है। अगर हम कहे कि हर देश जो है उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि एवरी नेशन इज सफरिंग फ्रॉम अ नेशनल आर्टेरियल स्ट्रोक, कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है पूरे देश का कि पूरे देश को जैसे स्ट्रोक हो गया है, उसमें पैरालिसिस हो गया है। तो इसमें हमारा जो मॉर्निंग टाइम है, हम अगर 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो कभी भी हम जैसे वो जो पीरियड है हमारा मॉर्निंग का, उसमें हम जैसे गाड़ी को पटरी पर डाल रहे हैं, जैसे जिसको हम कहेंगे यूटिलाइज करते हैं मेडिटेशन सबसे पहले, और उसके बाद में थोड़ा स्पिरिचुअल क्लास, स्पिरिचुअल डिस्कशन, मतलब सुबह का जो समय है थोड़ा सा एकांत, थोड़ा सा मौन, थोड़ी सी अंतर्मुखता, इंट्रोवर्शन, ये अगर हो, उसके बाद हमारी दिनचर्या यदि चालू हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है खान पान की। अब खान पान की बात ऐसी है कि जितनी बीमारियां आज बढ़ रही है आप देखो, तो उनके पीछे आपको पता चलेगा जिस तरह का खान पान, जैसे हमने कहा फास्ट फूड, जगह जगह पर यही सब लोग खा रहे, उसमें इतना हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है कि उसके वजह से कितनी सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको संतुलित आहार, जिसे समझना होगा क्या है, यदि कोई बीमारी है, जैसे कई लोग बहुत मोटे होते हैं, मोटापा रहता है, तो जरूर कहीं ना कहीं गलती हो रही है खान पान में, कईयों को बीमारी हो जाती है गलत खान पान की वजह से, कई लोग स्वस्थ होते हैं, परंतु उनके लिए भी जरूरी है कि वो अच्छा खान पान रखे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हाई फाइबर डाइट हो,
ज्यादा स्निग्ध, ज्यादा ऑयली इस तरह का भोजन ना हो, जिसके कारण फिर आप एक संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है उसका आप अनुभूति कर सकते। इसकी और भी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि सचमुच बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जी रहे हैं लेकिन हमें कैसे जीना है ताकि हम निरोगी रह करके जी सकें और जीवन का आनंद ले सकें, इस पर हम आपसे और भी प्रकाश लेंगे आज की सुंदर चर्चा के लिए, जो बहुत ही गहन रही है विचारों के स्तर पे भी और साथ ही बाहरी स्तर पे भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, चर्चा हमारी शुरू हुई थी मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन की, या दवा के साथ साथ दुआ की, और बहुत ही गहराई से डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ फेथ की जो बात की जाती रही है, सचमुच अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है और जीवन के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो केवल दवा पर ही हम निर्भर ना रहें, लेकिन क्यों ना थोड़ा वक्त निकाल करके अध्यात्म की ओर भी बढ़ें, मेडिटेशन करें, कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य स्वयं भी अपना बनाए रखें और साथ ही दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे सकें। डॉक्टर साहब को लगातार हम आमंत्रित करते रहेंगे ताकि इसकी और गहराई में हम उतर सकें और अपने जीवन को संपूर्ण खुशहाल बना सकें। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।